say your name. स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम, उससे पहले सलामह लोल सान गोड मेन बूजिव वनिन छम वर्ग कथ पोज ध्यान रूजिव दुहल जोरा वुकिर गुजरे पातकुन सेठा मुश्किल सपदा आज ति शाहुन अगर ज्याव रूठ बावत रोज अनजान पगा कु जानी तेल आज क्या चु गुदरान जुलम जोलान वंसन रूद पेतरान त्योंगुल यास प्याव दजन दग सुई छु जानान गुलशन महल हॉस्टल यह खाम उपर है कि नहीं अपर आज के नाम आज साल की शफीर चेचु नाम शफीर बाहर से ये तोत ठोक देता था इस शीशे को लेट हो गया मुझे क्यों नहीं दिया हाँ रोटी देता था वो जावेद मेरा लड़का है वो ही निकल आया इसको उसने नहीं पकड़ लिया उसे
जैसे मैं पिलाता हूँ ना इनको, ये पकड़ लेते हैं चोंच से, हाथ से मैं देता हूँ उससे, नहीं मैंने उससे कहा अभी इसको एतबार नहीं है तुम पर, पहचान लिया है मुझे इसने, मैं उठा और उसको दे दिया चोंच में तो चला गया। ये हो गया कावा, इसने मुझे पहचान लिया, हाँ हाँ ये कोई कष्ट नहीं देगा मुझे, इस लिहाज से मैंने उस जावेद को कहा यही क्रेडिबिलिटी आप भी गेन करो, तब कवा भी देगा आपको। चिड़िया मेरे सामने आ जाती हैं सुबह, गर्ज यही है जब एतबार किसी लीडर पर होगा, किसी डॉक्टर पर होगा, किसी टीचर पर होगा, तब तो एक इंसान बन जाता है कुछ, जब उसमें भी सिंसेरिटी होगी और डेडिकेशन होगी, है ना। तो सर्दी लगी आपको, नमकीन चाय पी लीजिए आप, मैं रखता हूँ। इसमें पानी कम हो गया है, इसको जस्ट अ मिनट। मैं जो लिखता हूँ, मैं हिंदू और मुसलमान समझकर मेरा कलम जो है ये कलम है, ये किसी भी धर्म वाले के हाथ में आएगा, तो इसका मतलब है ये खुदा का दिया हुआ एक प्रेजेंट है, अमानत है, इसको ऐसे चलने दो जैसा इसका मिजाज अपना है, ये मेरे हाथ से नहीं गिरेगा। नहीं, ये ब्राह्मण का कलम है, तुमने क्यों उठाया, या ब्राह्मण को कहे ये मुस्लिम का कलम है, खालिसा का कलम है, बुद्धिस्ट का, ये कलम है, ये कलम होना चाहिए, इसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने जो लिखा है सिंसेरिटी में लिखा है। मेरी एक पोइम है, उसका नाम है सर्त बर्ड, सर मीन्स सुपैरो, सुपैरो और मैं। खुदा सबा लज सर गौर गाठन, वरफ तरी अंदर वरान शाठन, समय हलकर गो ये शहर गामन, रकस मौतुक सपुद ये सुबह शामन, वुछुम बरपा सपुज गर गर कयामत, वुछुम बरपा सपुज गर गर कयामत, वलिथ नाल नजरन ताम शहमत, गरे त्रवित सजिस वांगिज बनेयस, बकोशर चर बेयन सत मा रलेयस, वरी वुहमर वपर जायन गुजरिम, व आयस गर पनुन प्रथ जाय छरिम। मैंने दिल्ली में ये मुशायरे में पढ़ी, साहित्य अकेडमी वाले के मुशायरे में मैंने जब पढ़ी, जो हमारे यहाँ से चले गए हुए कश्मीरी पंडित थे ना, पंडितानिया थी, साबू ने रोया, मैं तो रो रहा, मेरा कलम रो रहा था, तो उन्होंने आंखों से आंसू बहाए, मैंने कलम से आंसू बहाए हैं। Introduce to you the one and only MC Cash. The place I live in, it's full of barracks, you know, it's basically an army cantonment, but it's still not the safest place because first of all you had these crackdowns and stuff, and I remember I was sleeping once and I opened my eyes and there were two army men right in front of us. You felt your home was sacred, right? And they were right inside our house with their boots on, and the first question they asked me is, where is your daddy's gun? Like, what gun, man? And my father is a doctor, right? I mean, what gun? Tell me up, man. MC Cash on the vocals. I pledge my allegiance to my soil and my people. One young Kashmir, Akhtar Akeka, yeah.
been told our elders have passed a dream to us. So when we rise in unison, they will scream with us. Long live Kashmir. One voice, one soul, one vision, one dream, and one mother to hold. Been a witness to evil, my people still living with hope. Faith takes over sadness, cause with oneness we spoke. In the realms of history, from Lal Dead to Nundarishi, from the banks of Jhelum, our inspirations run firmly, knowing what we stand on. Been in love with the soil, never lost our respect in all the years of turmoil. Surviving like that Chinar who mourns in silence, as if to welcome a generation born in violence. Running wild and free, imaginations of our youth, who know the importance of education and truth. Pledging to revive our culture and pay our tributes, cause to understand Kashmir is to be in love with our roots. About to do something in Kashmir, yo. Check it out. Sakya Musra Parsmakanas Paibuas Laita Zamanas Kaika Shishas the Bay Paimanas Paibuas Laita Zamanas Suit. People who know me as MC Cash will obviously call me MC Cash. But there are names they call me. They call me Mac Cash sometimes. It's funny. I'm not Irish or Scottish. जहाँ तक कश्मीर की सोसाइटी का ताल्लुक है, कश्मीरियत, कोशुर, ये एक अलग रिफाइन सोसाइटी थी। ये कश्मीर जो थी ना, काश्मर जिसको कहते थे, कश्यप ऋषि का जो बेस इसमें था, कहते हैं ये सारा सती सर था, पानी ही पानी था, तो फिर ऋषि आ गया, कश्यप ऋषि जिसको कहते हैं, तो उसने प्रार्थना की, इबादत की और भूचाल आ गया और बारामूला से वो पहाड़ फट गया और यहाँ का पानी सारा निकला, फिर यहाँ की सिविलाइजेशन शुरू हुई। जिस तरह कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ अमनो आश्ती का सफ़ेद लिबास पहने हुए दुनिया को अपनी बेपना खूबसूरती, अज़मत, यकजहती का एहसास दिला रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ ऋषि मुनि साधु इसका दर्श देकर चले गए। अगर इस पर कोई कलमकार कलम उठाए तो इसके लिए समंदर की स्याही और धरती का कागज़ होना लाजमी है। बहस फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी मिली तो फिर बात करेंगे। یوسف درگاه شما چی کاش نام؟
سید محمد علی بلکی یہ چھ تم تھی دورس مز آمت یہ چھ تم لوگمت بیس کس اس جائے پہ بہت جو بزرگ عبادت کے لیے آتے تھے تو ان کا یہاں پر اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اس زمانے میں انہوں نے جو یہ بناتے تھے چائے شائے جو ٹراولنگ اکوپمنٹس تھے ان کے ساتھ میں ہوتے تھے پھر جو یہ درگاہ ہے یہاں پر اس کا نام ہے سید بلکی سید بلکی اللہ رحمہ حضرت سلطان سید محمد علی بلکی تو اس کا پورا نام ہے اس بچی کو اس بارے میں معلوم ہے تو یہ یہاں پر بیٹھے تھے تو پھر وہ جلتی ہوئی لکڑی اس نے زمین میں گاڑ دی اور تو پھر آہستہ آہستہ یہ ایک موزیم میں تبدیل ہو گیا موزیم میں تبدیل ہونے کے بعد میں یہ پیڑ وجود میں آ گیا تب سے یہ نشانی ہے اس کشمیر کو کہتے تھے ایرانی صغیر اسلام میں یہ میوزک شوزک کا معاملہ جو ہے یہ الو نہیں کرتا ہے مگر یہاں کا جو ماحول ہے یہاں جب میر سید علی حمدانی صاحب آئے جن کے ذریعے سے یہاں کا ماس کنورشن ہو گئی اس نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی یہاں کے واتاورن سے ان کی ٹریڈیشن یہاں کے ٹریڈیشن سے انہوں نے صرف ان کو مسلمان بنایا اور ان کو مسلمانی کے احکامات بتا دیے اپنے ساتھ وہ صوفیانہ مزاج کا جو گانے بجانے کا ان کا ڈھنگ رنگ تھا اسی کو صوفیانہ موسیقی کہتے تھے کے لوگ مندروں میں بھجن گاتے تھے اس کے بعد بودھ گمپھاؤں میں جن کو وہار کہتے ہیں وہاں یہ پوت پڑھتے تھے تو ایک ردم میں ہوا کرتا تھا وہ چیزیں اس ردم سے کوئی چیز پڑھنا اسے ایک آدمی کو روحانی سی کوئی کیفیت اور لذت محسوس ہوتی ہے اس کے بعد جب صوفیانہ آ گیا تو ان کے پہلے ہی ان کے بیجے میں تھا یہ جسم جان میں تھا میوزک کا امپیکٹ جو تھا بیک گراؤنڈ تھا ہمارا یہاں کا نعت خوان تھا اور وہ نماز پڑھاتا تھا یہاں کا لیڈنگ صوفیانہ موسیقی کا کلاکار محمد عبداللہ تبت بکال وہ لیلائیں گاتا تھا دلتے مادل نین گلاب پمپوز دستائی پوزائی لاگس پرم شیوس شیو ناتھستائی یہ مولوی تھا ہمارا نعت پڑھنے والا تھا
कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत ये है कि यहाँ डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर हो चुका है मोहनलाल एमा, वो कह रहा था, नाथ गा रहा था, या रसूल कान फरियादन था। आरन कोल था, उसने लिखा है अशवन उम्मत अश कर मगफिरत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पंडित था, कश्मीरी पंडित था, उसने नात लिखा है प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर। उसने ये कश्मीरियत है, ये वातावरण हमारा था। India lies a peaceful, secluded valley that is often described as one of the most cherished and beautiful lands of the Eastern world. It is the famous Vale of Kashmir with its curious capital city, Srinagar. I was academically into painting from Fine Arts College. So used to do this, what everybody does, oil, acrylic, you know, kind of a thing, experimenting with different mediums. But then after my post-graduation, I moved on to certain other things, which includes performance, installation, and many other kind of genres which I was actually looking at. There was a Khoj International, I think you're familiar with the Khoj India. So they did this one program in Kashmir also, which was known as Khoj Kashmir, in which 15 artists from all over the world participated. I was part of that workshop as well. So what I did there, I created an original bunker there. So these are the photographs. I don't have the final images actually like that, but there's a net also, there's this barbed wire. And there is this TV inside it where the photographs are on the loop. The photographs I had taken from the travelogues of Europeans and, you know, foreigners who had come to Kashmir and written books about Kashmir, mostly praising and all that kind of a thing. Books I took from 19th century onwards and took the covers of those books which were on the loop. So this whole work was about landscape itself, actually the marking of a landscape where the bunker becomes part of it and becomes part of a memory as well. Then the erasure that happens, the same way those books had talked about Kashmir. The whole thing starts with the Hamiyasto, Tumiyasto, something from Mughals. This Kashmir as a beautiful place, you know, as a paradise, which I try to deconstruct in this work and show this bunker is actually which is part of our memory of my, at least my generation. For 20 years we had been seeing this as part of our landscape as well. So there was a one particular language which was, you know, this bunker had become a part of our local language. If you had to meet somebody, you'll say, okay, meet me near that bunker, like, you know. Or if you had to give some location to somebody, you'll say, okay, it's near to that kind of a bunker. There's this battalion bunker there, you know. So I was looking at this whole issue of a bunker, how it enters into the Lokuna language, like, you know, and how it becomes part of memory. And at the same time, after 2011, I think, yeah, they started removing these bunkers from the Srinagar. So that is where actually this idea came, when they started removing these bunkers from the Srinagar, because this memory was going now.
Yeah, I ain't dissing. I'm just saying, there's no peace, there's war. Yeah. Selling peace, you're stupid. In a land that's still disputed, your visions are polluted. If you can't see the persecuted, we got dreams, I assure you, and the truth's right before you. But you're blind, cause you're blind, man. And I ain't the one to cure you. My symphony is truth, my instrument is pain. My struggle is so righteous, you will hide your act in shame. And I am but a dreamer who wants freedom for these people. You are Nazi open. Maybe I became reclusive when I released my first hip-hop album, you know, because interaction that I have with people, with stone belters, for example, with torture victims or ex-militants. I have done that, you know, but now I had to think back and, you know, maybe collect those thoughts into something, into something powerful. That everybody's waiting for, criminals is your crowd, now you know how we hate it. Is this peace that you talk, that you sell? This is war, this is war, this is war. In my streets there's a war, there's no peace, there is war, there is war, there is war, there is war. Is this peace that you talk, that you sell? This is war, this is war, this is war. In my streets there's a war, there's no peace, there is war, there is war. Jab bhi jis एरिया में, जिस मुल्क में, जिस खुते में गड़बड़ हो जाता है, परेशानी रह जाती है, कोई दूसरा ताकत उसको अपने जेर करने के लिए आ जाता है तो उसको दबा लेता है, तो वहाँ रिएक्शन में जो बातें आती है तो पहला तो कलम ही आ जाता है। तो हमें मुगलों से लेकर आज तक लगातार परेशानियाँ देखनी पड़ी हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनके बाद, उनके उनके बाद, उनके फिर मेरा वक्त जो है, उसके बाद हमारे बच्चे जो है, इस लिहाज से यहाँ लडीशा का अहम रोल रह चुका है। लडीशा जो कलमकार होते हैं वो तो लिखते हैं, मगर इस तरीके से लिखते हैं कोई उन पर गिरफ्त ना हो, कोई सरकार उनके ऊपर ये नहीं कहे ये बागी हैं, इन्होंने बगावत शुरू की, ऐसे अल्फाज में जिसको स्टायर कहते हैं। मगर जी बुदराज चुस तुम लडीशा कह जी बुदराज चुस बह भांड कर नफर तो अस वस तक मस्कर आंगन सर वस तक मस्कर आंगन तो मगर पत गोस बह लडीशा हिशन रसम आय गरीबस तब जाय सारी करान वहवाय गरीबस तब जाय वो खुल मशरो ग्रेंडर द्राव वो खुल मशरो ग्रेंडर द्राव लेजी हज थो कोकुर नाव लडीशा ब्रोट कर तमन दोन दोस टी वी न रेडियो न कुन कस्म मसेज लुकन पत लडीशा लेखान फलन जाय सा गो बुन या फलन जाए गई लड़ाई फिस्तन जाए चु हड़ताल तथा या कुन जाए ऐसा मूद का या द्रोजर चु स्रोजर चु पावरस मुतलिक कुन मुतलिक पत घर पत घर गसान घर पत घर तुम अख पन ओस कि जानान कह तुमल शेर उस दिवान कह रोपि दह उस दिवान बे तुम मसेज लुकन ताम तो जब पहला हवाई जहाज कश्मीरियों ने देखा
लड़ी शाह वो लेकर आ गया, उसने कहा आसमान जहाज आव मुल्क कश्मीर, यमो वुछ तमो कोर तौबा तकसीर, दायर किन लाए हस आब जजीर, यमो वुछ तमो कोर तौबा तकसीर। سونس روپس کورن دوگل مغل لوگم بلائے شکس مغل سن بیول خدائن گول پوگ مغل سن بیول خدائن گول مسجد آستان کریک پامال लूट मार करित लूट करित बदहाल। ये जो हमारे श्राइन्स थे उन पर पाबंदी थी और जो मस्जिद थी वो तो बंद हुआ करती थी, और जहाँ कहीं भी कोई दिखने में आता था यहाँ कुछ असासा है, कोई माल मता है, वो लूट कर चले जाते थे। उसके बाद 1846 में जब डीड हुई, जिसको बैनामा अमृतसर कहते हैं, ये दुनिया का सियाह तरीन बाग था उस वक्त, और दुनिया का सियाह तरीन दौर उस वक्त रहा जब अंग्रेजों ने बेच खाई गुलाब सिंह को कश्मीर। देहकानु मर्द जन जंगल फरोख्तंद, कौमी फरोख्तंद चे अर्जा फरोख्तंद, ये दुनिया का पहला खुता है, ये अलामा इकबाल ने कहा है, ये दुनिया का पहला खुता है। देहकानो पेरो जवान जंगल फरोख्तन, ये इंसान जंगल दरिया सब कुछ जो है ये बेचा गया है, इसको फरोख्त किया गया है, मगर किया अगर फरोख्त भी किया बहुत सस्ते दाम पर फरोख्त किया गया है। तो यही लिखता है ये डोगरा मल्य हुत मुल्क कश्मीर। जुल्म जबरुक आव क्रूठ यलगार, बेगैरी फासिकु दरबाजार। बेगार लेते थे वो वगैरह उजरत के, बॉर्डरों पर ले जाते थे वो आर्म्स एमिनेशन और फौज के लिए राशन लेकर। तो ये उतना ये गांव के जो नौजवान हुआ करते थे उनको पकड़ कर जैसे मतलब शिकार, ये कहते हैं ना ये टैलेंट हंट जिसको आज कहते हैं, वो सिर्फ ये देखने जाते थे जवान कौन सा है हटा कटा, गाँव से लेकर उनको पकड़ लेकर पकड़ते और वहाँ भेजते थे
क्या नाम है, भवन जी चाइनीज बॉर्डर था यहाँ, और पामीर दूसरा बॉर्डर था। History will inspire us, our history will define us, and our history will guide us. It's not a simple story when it comes from the heart. It's about Abdul Qadir and him approaching the dark. The word on the streets, Kashmiris had to play their part. The beginning to the end of oppression had to start. With a cry of revolution, they assembled near the jail. Knowing Abdul Qadir was with the hangman and a veil. They cried for more people and they ran and they came. Death came too, leaving a few to tell the tale. The army of the Maharaja had no guts, had no soul. They fired at the people, left them dead, left them cold. While fighting for their rights, a simple prose was retold. Kashmir was sold cheaply, so cheaply was it sold. Inside Abdul Qadir remembered what he was told. Who asked your God to free Kashmir with that book that you hold? And when the revolution started, it shook an empire. That little spark of freedom became an unending fire. Remember, remember the 13th of July. Martyrs of Kashmir and their sacrifice. Who bore witness with the crimson skies? Heroes of Kashmir who paid the price. Remember, remember 13th of July. Remember, remember 13th of July. Ghulam Qadir, Akbar Dar, Umar Joo, Muhammad Dili, Muhammad Sajjan, Abdullah Ahangar, Abdullah Lone, Muhammad Usman, Khalik Shora. Our identities have been taken, man. They've been stolen. I mean, we've been sold, for God's sake. I mean, think about it for a second. That's why I love hip-hop so much. I mean, that's why I chose hip-hop, because I could relate to the slavery part, you know. I could relate to Tupac saying, like, you know, it's a white man's world, or, you know, we've been subjected to slavery and oppression for too long now. You know, that's why I could relate to hip-hop. You know, that's, I remember listening to Ice Cube's Today Was a Good Day, you know, and I think about, like, you know, there were no cops shooting at us, you know, and nobody got killed, you know, and I could relate to that song. So is there a similarity between African-Americans or, you know, African-Americans and Kashmiris? Hell yeah, man. I mean, both of us were sold as slaves. You know, both of us were made to work in fields. I mean, they were made to work in cotton fields. We were made to work in saffron fields. Sasmut khanai kab lagat yad lasmat
हमारी कश्मीरी औरतें जो हुआ करती थी शादियों में, और कोई भी मेला लग जाता था या फेस्टिवल हुआ करता था जिसको पर्व कहते हैं, मतलब हिंदी में या बंगला में पर्व जो हुआ करता था, उस पर्व के दिन पर वो तो आपस में गाना जो गाती थी उसको वानगुन हम कश्मीरी में कहते हैं। '47 में इन्हीं औरतों ने जो पिछले अपने माओं से सुना, दादियों से जो सुना था, डोगरों का, मुगलों का, पठानों का, तो सिखों का, तो इन्होंने खुद अपने बनाया 56 कशिर बेसपित गिर। हम और परेशान हो गए और हम भी इसी दर्द बला में और गिरद आब में हम फिर फंस गए। क्यों? भारतीय फौज सा मुल्क कश्मीर। Our pledge to the people of Kashmir that this matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. Pannui palzo vaparmaos, Panditji yelbanov shekhandos. We do not wish to win people against their will with the help of armed force. And if the people want to part company with us, they may go their own way and we shall go ours. We want no forced marriages, no forced unions. Kiasi kalas kurun or yor, saj shau kurhos sheras bior, lalman thayin kashirin tir, barti for samun ki Kashmir. पार्टीशन जब हुआ, ये बदबख्ती और बदकिस्मती जो हुई उस वक़्त, पार्टीशन का मामला जो हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। हमारे गेटर्स जो थे ना, इसको नमक रूट कहते थे, जो कोहिस्तानी नमक आता था उस रास्ते से, मुगल रोड जो था वो भी एक रास्ता था, जालिम वैली रोड भी था, यही असली रूट था, सेंट्रल एशियन रूट था, और ये पोनीज रोड था इनका। इन्होंने अब एक शहरक बनाई है हमें, Parvaz. The jury complimented Parvaz for the disarming honesty of their music. I quote, "It feels like them, they might have walked 1,000 miles to sing you this song. They wear their influences like a badge. You can hear Pink Floyd, you can hear Led Zeppelin, and you can hear Janu. And they absorb them to create a giant rock sound that they can legitimately claim as their own." So here's a clip. This one is called Itne Arse Ke Baad. It's about missing home, being far away from home, and you still miss the land, still miss a lot of things about it, the homeliness.
Connected with other world. What happens in Kashmir stays there. And there should be what happens should go out. So our childhood was like school, strikes. A lot of strikes used to happen that day, Hartal. We used to love that. With friends that time. We're not allowed to go after school to meet friends. Someday they will let us go. Then it was just home, being social with family members and other relatives. Yeah, there wasn't as much connectivity back then also, right? So friends would get in touch with each other only on the landline at home, you know? There was no internet, there was no... Good memories with school. We enjoyed school, our school. Even 3 years back, if we typed or searched for Kashmir on Google, the first 3 or 4 results that popped up was Led Zeppelin's Kashmir song. And we became a little apprehensive that what exactly our presence does not lie in one of the most important forums on Earth today. These are the Iron Maiden stickers. I used to listen to Iron Maiden a lot. And I see Poetic Justice. Yeah, Poetic Justice was the name of a band that has eventually, like the band, which has faded away. And Estranged was one of my favorite songs. Bollywood ka bahut influence hai na yaar ki music pe. Bollywood influence karta hai music pe nahi, I don't think so. Because agar aap weddings pe dekhe, weddings mein bhi uska manmun bolte hain, wo gaya jata hai. Aur Sufiana Musiki has no influence on Bollywood. Regular daily radio pe Bollywood chalta hai to log sun lete hain. Mohammad Rafi kaam bol sakte hain about influence raha hai. And और यहाँ के रहन सहन में बॉलीवुड का असर हो सकता है लेकिन म्यूजिक पे ज़्यादा असर है नहीं.
fed up this idea that tourism is the best thing for Kashmir. You can sit at home and you can earn money, and then this place is like Jannat, you can enjoy. Way beyond the music, and we lag behind them almost 100 years. Now, even there are traditional musicians, they haven't innovated anything in their traditions. Abhi bhi sarang ko banane mein 6 mahine lagte hain abhi. 6 mahine usko lagte the aaj se 600 saal pehle bhi. I'm saying that. So they haven't time frame ke hisab se, technology ke hisab se, they haven't innovated. They haven't done any proper innovations. और रबाब को भी अगर हम देखें जो रबाब आजकल वही नोट देते हैं तननन 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 जो आज से 200 साल पहले निकलता था तननन 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 These are the problems that lie in our society in every sphere, not just music. हमारा खाना भी वैसा ही है. Amaj bhi, we revere Vazwan. But we haven't innovated. Aaj bhi usme utna hi tel lagta hai. Aaj kuch aise spices hai jo hum usko isme istemal nahi karte hain. But we have taken, we use chemicals in our cuisine in order to maintain that essence of Vazwan. But it actually affects our health. And it has other repercussions. Similarly, political scene pe bhi agar hum dekhein, तो वी स्टिल हम वही 200 साल पुरानी पॉलिटिक्स इस्तेमाल करते हैं. 20 साल पहले जो था आज भी वही चलता है. सो वी हैव इन अ वे वी हैव बिकम स्टेटस क्वोइस्ट्स. I mean, the whole narrative of agar fir dost bar roye zameen hast hum yasto hum yasto hum yasto is absolutely false. It's a farce that has been fed to us by liars, by those who have altered our history, by those who have manipulated our history. चलो सर सुबह के टाइम पर है वाला जिल्द सुबह तक सुबह सुबह या सुबह Yaman yaman makan manca
چھِ تِمن سۭتۍ یکجٲتی آز آز چھُ یہی عالمی دُنیاہس منٛز یِوان آز چھِ أسۍ پننٮ۪ن بچن دِل کٮ۪و گہرایو سۭتۍ یاد کران اسہِ چھِ آز امید سٲنۍ بچہِ چھِ زندے أسۍ چھِ بیٚہوان ییٚتٮ۪ن تاپس تہِ روٗدس تہِ امہِ مۄکھٕ پننٮ۪ن بچن چھِ أسۍ یاد کران بیٚیہِ چھِ تِم کران یِم تِم فارین پاس نِکھ ییٚتہِ تِمن تہِ ٲسۍ گرِکۍ آمٕتۍ مٲلۍ ماجہِ ژھانڈنہٕ خٲطرٕ تِمن تہِ چھِ أسۍ خراج عقیٖدت کران پننٮ۪ن بچن تہِ چھِ خراج عقیٖدت کران بیٚیہِ چھِنہٕ مُسلمانٕے یوت سِکھ لڑکہٕ اکھ تہِ چھُ اسہِ سۭتۍ تِمن ہوم رایٹس وایلیشن یِم ریپ گوٚو شُپینس منٛز گوٚو کٕنن پوش پوٗرِس منٛز گوٚو 2010 منٛز ایٹیشن ٲس تتھ منٛز گٔے تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ شہید تِمن حولٕچ حولُک ایٹیشن گوٚو مٔژھل اینکاونٹر گوٚو چھٹی سنگھ پوٗرُک گوٚو تِمن سۭتۍ چھِ أسۍ تِمن سۭتۍ چھِ یکجٲتی کران تِمن سۭتۍ چھِ اسہِ آز یکجٲتی کران تِمن چھِ اسہِ خراج عقیٖدت پیش کران بہٕ چھَس ونان میانہِ خۄدایا اسہِ دِسا طاقت '91 में मेरे बच्चे को इन्होंने अरेस्ट किया क्रैकडाउन किया यहाँ गोजवारा में वो उस वक्त था इंजीनियरिंग सेक्शन में काम करता था रेडियो कश्मीर में तो जो भी नौजवान होते थे उनको ये पकड़ लेते थे ज़बरदस्ती उनसे इकरार करवाते थे लिखते थे ये 5 एक्शन मैंने किए हैं फलानी जगह मैंने ग्रेनेड फेंका फलानी जगह मैंने ये स्ट्रॉन्ग रखी थी फलानी जगह मैंने फायरिंग की ये पेपर में लिखा होता था इनसे दस्तखत लेते थे इनको पावर शॉक्स देते थे टच देते थे 5 शॉक दिए मेरे इस बच्चे को 91 में वो भी पापा टू इंटरोगेशन सेंटर यहाँ था इस वक्त वहाँ मुफ्ती सईद का रेजिडेंशियल हाउस है
this is for the first time that I am coming here. This feels like an achievement that I have finally made it up here. My father, he was a football player. He used to tell me that he used to climb the stairs of this place, and he used to trek every morning on this hillock, and that's how he used to stay fit. Not being able to live as your father's tales, as your father lived in his tales, was a sense of defeat. I would always feel a sense of defeat that I am not able to do that. But then yes, there are other things also associated with this place. One of my reasons that I became a journalist, because I wanted to have a press card, because that is how you could, to some extent, move freely in the city when there is hartal or when there is a curfew. And I always felt very claustrophobic when there were continuous hartal days. I couldn't move. So I always wanted to travel, especially places which have a historical significance or places which are very old. So Hari Parbat was one of them. Yeah, there is a lot of anger, like, you know, when situations go wrong, the way they went a couple of years back. They had gone for stone pelting and all that. Like, I just caught hold of some of them and I saw some of them had bruises. Like, you know, I had to talk with them. Like, I said, like, see, why you do this kind of thing? There are better ways to show your anger, like, just write a song. Why don't you write a song? It can survive more than a stone can survive. Like, you know, go and make a painting. Do a graphic thing. Go and make a poster. Like, you know, it's much easier. Like, and it's related to you. You're going to do this thing all over for whole of your life. Why don't you sharp your teeth on there, like with your mediums? So I did counseling of a couple of guys to myself as well. And those kind of situations really lose a nerve and feel like going on a street. And, you know, having a field day, you know, it happens most of us here who get caught for like months and months onwards in that kind of a situation. Yeah, there's no escape from that kind of a feeling. And the issues then now they are looking at is like connecting the whole work to their own histories. That's the point. Everybody is looking at their own histories, local histories, their place. At the same time, creating a work which can be far-reaching to the other people, like, you know, as for the work of art, for art goes. जब तक मैं आप मतलब खुद को फील नहीं करूं, तब तक मैं अच्छा कार्टून नहीं बना सकता हूं। तो मैं ऑफिस गया तो मैंने सुना न्यूज़ आई थी कि किसी कुत्ते ने 12 लोगों को काटा है। अब मुझे शाम को मेरे ऑफिस वाले ने छोड़ा घर पे तो मुझे थोड़ा सा मतलब चलना पड़ता है क्योंकि मैं थोड़ा मतलब डाउनटाउन में आपको पता है गलियां छोटी होती हैं तो गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं तो उन्होंने मुझे बाहर छोड़ा तो मैं अब अंदर चल रहा हूं तो कुत्ते 4-5 मेरे पीछे पड़ गए सीरियसली तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज हो गया कि यार मतलब ये परेशानी की बात है यहां पर इतने सारे कुत्ते हैं तो ये मेनका गांधी ने किया है कि मतलब कुत्तों को मारना अलो नहीं है ऑल ओवर इंडिया में तो कश्मीर में भी है मतलब कश्मीर में आपका AFSP है लोगों को आप मार सकते हो मगर कुत्तों को नहीं मार सकते यू कैन अंडरस्टैंड Rebels in an alley, resistance in the air. We are down for the cause. We done murdered all our fears. No more pain. We came this liberty or this death. The wretched of the souls will soon be standing like the rest. If there are stones in my house, in my courtyard, I won't pick up. I mean, I will go pelt the stone. I will go outside with the stone in my hand and I will throw it. I mean, I won't do that. It's just because they don't let us protest. They don't let us mourn. Like I told Maggie, you know, they don't let us, you know, even move out of our homes in a peaceful manner. It's that what makes us angry, you know. And our ways of resistance, yes, they are different. And
I mean, I respect the guy. You know, I respect the guy because he is brave, you know, because in his own way, he is standing up against oppression. In his own way, he is demanding something that has been taken from him, you know. He is demanding a right to more peaceful. Bring it on, tyrant. Bring it on, tyrant. Bring it on, tyrant. Bring it on, bring it on. तो गर्ज मैं क्या सोफियाना मौसीकी के पैगाम इसको सुनाऊंगा समद मीर अहद जरगर और ये न्याम साहब शमस फकीर लाल दयाद नंदरेश क्या टासरा रहे हैं वहाँ शैलिंग की और सोफियाना मौसीकी अमन सलामती और इंसानियत का सौगात है उन लोगों के लिए वो लोग रहे नहीं अब हम हैं हमारी बात ये सुनते नहीं है ये हमें प्रैक्टिकली अखबार ये देख लीजिए आज के अखबार में क्या आया है जब आप ये कहेंगे वतन हमारा है तो उससे उन लोगों के ऐवान मर उठने चाहिए जिन लोगों के दिमागों में जिनके सहनों में हमारी कौम को या हमारे वतन को It's our country, and who will protect this? Who will rule this? ये वतन हमारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे. इसका फैसला हम करेंगे. इसके खातिर हम लड़ेंगे. इस पर हुकूमत हम करेंगे. I have made so many songs, and suddenly I realized that I haven't made a song on anything normal. You know, everything is conflict, you know. And it's true that I cannot think about anything else either. I mean, what is there and what is anything else out there? The mountains, oh, they are beautiful mountains, but do you know how many rebels were up there? With no shoes, trying to climb, trying to descend a mountain, trying to go to other side, trying to run away, you know, from the police or from the STF or the SOG. Okay, the Jhelum is beautiful, it's so beautiful, man. I could write poems about it. But do you know how many body bags were fished out of Jhelum? You know, I mean the soil is so beautiful. You just saw the unmarked grave, man. What can I write about the soil? You know. There's a scar, you know, of war. मोमेंटोज
सबसे पहले डेथ फोर्सेस के लिए बैठे हैं। टेन में जब कर्फ्यू था तो हमारे पास कर्फ्यू पास भी था, मगर मैं डाउनटाउन एरिया में रहता हूँ। वहाँ पर क्या होता है, जैसे मतलब जैसे स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो जाती है, जब लोग निकलते हैं अब घर जाते हैं, मतलब स्टोन पेल्टिंग करके, तब मैं उस टाइम पे ऑफिस निकलता हूँ। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे डंडे खाए हैं मैंने, मगर एक इंसिडेंट मुझे याद है, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। जब मैं घर से निकला तो स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गया था, मतलब एक घंटे के बाद मैं निकला, तो मैं चल रहा हूँ तो आर्मी वाले, मतलब सड़क पे कुछ नहीं है, बस आर्मी है, कुत्ते हैं और आर्मी है बस। तो मैं चल रहा हूँ, बहुत मतलब क्या कहते हैं ना, मुझे इतना थ्रेट है, मैं चल रहा हूँ मगर। तो एक आर्मी वाला उठा, उसने मुझे बहुत सारी गालियाँ मारी, इतनी गालियाँ मारी, वो मुझे मतलब मारने के लिए आया था, तो हिट करने के लिए डंडे के साथ। तो मैंने उसको कहा, मतलब मैंने उसको कहा कि आप गुस्सा मत करो, एक समय वेट करो। तो फिर वहाँ पर कोई थ्री स्टार बंदा SHO जो मतलब इस मतलब आर्मी में होता है, तो वो आया, उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उसको कहा मेरे पास कर्फ्यू पास भी है, मैं मीडिया में काम करता हूँ एज अ पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट। तो उसने कहा कि आप कार्टूनिस्ट हो, ज़रा इस बंदे को बनाओ। वहाँ एक और आर्मी वाला था, सिकनी बंदा, तो उसको बनाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉपी खोली और मैंने बनाया। तो मैं बना रहा हूँ, तो मैंने उसको दिखाया, तो वो खुश हो गया, उसने कहा ये तो सेम हो गया यार, वेल डन हो ऐसे ऐसे। तो मगर मुझे एक और थ्रेट था, जो मेरी स्केच बुक थी उसके पीछे ना मतलब ऐसे कार्टून्स बने थे जो आर्मी को दिखा रहे थे कि ये मतलब हमें कैसे मतलब ऑप्रेस कर रहे हैं, या कैसे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मतलब देखिए, हमारे ऊपर AFSPA है, मतलब एक लॉ है जो आर्मी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कोई भी मर सकता है किसी भी टाइम पे, मतलब गोली हमारे यहाँ पर है। We don't think about it that much is because we've realized that everybody is entitled to their opinion about everything in the world. So I think that's why we never think too hard about it. The time when we grew up, as I told you, it's totally different for me. I don't want Kashmiri, my generation, I don't want them to pick up guns, man. I mean, we have sacrificed too much, we've lost too much. I don't want us mourning again. I want us to celebrate, I want us to be free. And for that, we need to be alive. Yeah.
जबरदस्ती से कोई बात नहीं बनती है। कोई भी झगड़ा हो टेबल पर बात होनी चाहिए। ये जो ग्राउंड रियलिटी जो है उसको कोई जुठला नहीं सकता है। ये सुबह इस कदर हुई, शाम की हमें कुछ खबर नहीं। शीख का बयान इस कदर हसीन, इल्म की सुबह मिला देंगे सोफियाना मूसी की इसके साथ। हाँ सोफियाना, ये तो अब हम पर तोहमत है। ये तो पास्ट का कोई, ये समझ लीजिए फोक टेल ही। हमारे बच्चे इसीलिए नाराज है, और कोई भी हमसे बात करेगा वो हमारा दोस्त है। ये जरूरी नहीं है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इसलिए जरूरी है, आधा कश्मीर तो उनके पास है, हमारे भाई हैं वहाँ, माँ का बेटा है वहाँ और बीवी का खावंद है वहाँ। लाजमी बात है, ये जिस्म के दो हिस्से हैं, इस लिहाज से इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हमारा आधा हिस्सा है तो कम से कम हमें मिलने दो। हमने कहा ना, एक नथे को इन्होंने हमें रोक के रखा है, बंद करके रखा है, हमारा सांस दम घुट जाता है, इस लिहाज से हम चिल्लाते हैं। हमारे दोनों नथनों से हमें ऑक्सीजन लेने दो, फिजिकली हमारी बॉडी सेहतमंद हो जाएगी। हमारा सेंट्रलेशन से राबिता था, ये गेट खोल दीजिए, क्यों हमें बंद किया तुम लोगों ने। ये उमर नाम है, माज क्या छु नाम, माज जान छु माज नाम, माँ का नाम जान है। आप साइड में आ गए, प्रोफाइल ही चाहिए थी मेरे को। काफी है, ठीक है, ये आपकी नजर में ये मेरे लिए ही है। अच्छा